लास्ट टाइम उससे बात लगभग 3 सप्ताह पहले हुआ था, जो कि सिर्फ इतना ही हुआ था कि वो बोले थे कि हम अभी अच्छे हैं, आप लोग हिम्मत रखिए, नहीं भी फोन कर पाएंगे तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम अच्छे हैं। संघर्ष करने के बाद हम लोग का इतना लोकल जगह से इतने हम लोग का घर तो टूटा फूटा है, लेकिन हम लोग बहुत तजुर्बा के साथ टूटा फूटा घर का ध्यान में ना रखते हुए अपने छोटे भाई को उसका मुकाम तो पहुंचाने का हम लोग इतना जो संघर्ष किए हैं, अभी वो संघर्ष भी, अभी मेरे भाई शहीद होने के बाद वो संघर्ष भी, हम लोग का विश्वास भी टूट गया है। इसलिए सरकार हमें ये, हमें अपना संघर्ष करने के बाद जो हम लोग का तजुर्बा है उसको टूटने ना दे, इसलिए कोई एक सरकारी नौकरी दे के हम लोग का ये तजुर्बा कर रखे, और ये जो बलिदान जो दिया है उसको मतलब संपूर्ण रूप से उसको सम्मान मिले, उसको बलिदान का उसको एक प्रमाण मिले, और शहीदों को जैसे इसका भी सम्मान होना चाहिए। लास्ट टाइम उनकी आपसे कब बात हुई थी? लास्ट टाइम उससे बात लगभग 3 सप्ताह पहले हुआ था, जो कि सिर्फ इतना ही हुआ था कि वो बोले थे कि हम अभी अच्छे हैं, आप लोग हिम्मत रखिए, नहीं भी फोन कर पाएंगे तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम अच्छे हैं। मके पुष्कर नदी हमार बहुत आशा करी মানুষ করেছে পড়াইছে পড়াই করি এখন যাও তা আমাকে বসবার যোগ্যতা হইলা, এখন যাও আমাকে মার বলি দিই, এখন যোগ্যতা হয়ে গেলে যা এখন আমাকে পুষবে যাও খুবই পারবে, তাহলে এখন যে অত যোগ্যতা হয়ে করে যে একদিন মরি মরি গেলাম দেশের শহীদ শহীদ, তাহলে আমার কি হবো এখন তো আমার আধার দিতে গেলাম। তো তুমি সরকারের থ্রু কি মাং করতে চাও কি আমার কাজ সফল বা সব কিছু সফল হোক, পরিবার ঠিক থাও? আমার কাছে যেমন সরকার এখন আমাকে তাইকেই পুষি মরতে মরেছে হবে, সেই দিন কোট পাবো আমার খাবা, আমার কি খাটি পারবা এখন বুড়া না, দু পয়সা কোটে না কমাই পারবা, আমার কা অবস্থা দেখছি না কেমন হয়েছে, হ্যাঁ আমার সুরং থেকে সেটা বলতে আমার খাটি করে নিতে পারবো।